तो वी विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था रेडिएशन। तो सबसे पहले हमने रेडिएशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था। फॉर एग्जांपल रेडिएशन इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विच डज नॉट रिक्वायर एनी मेडिकल मीडियम। इट इज ऑल्सो द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, है ना। तो बेसिक बेसिक चीजें हमने देखी थी। उसके बाद राइट आफ्टर दैट व्हाट हैव यू सीन? इंटरेक्शन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, यही था ना। अरे लास्ट लेक्चर में हमने रेडिएशन स्टार्ट किया था। रेडिएशन का इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा था इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। जब इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी, इफ रेडिएंट एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन अ मटेरियल, ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल, इट इज इधर रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड। तो क्यू इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी। हमने फिर दोनों साइड को क्यू से डिवाइड कर दिया था। फिर आपको मिला था वन इक्वल टू क्यू ए बाई क्यू प्लस क्यू आर बाई क्यू प्लस क्यू टी बाई क्यू। क्यू ए बाई क्यू को तुम बोलते हो ए, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्टिविटी। क्यू आर बाई क्यू, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टिविटी या रिफ्लेक्टेंस। देन क्यू टी बाई क्यू, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, दैट इज इधर ट्रांसमिटिविटी ऑफ और ट्रांसमिटेंस। तीन चार नाम है उसके। तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमको ये बताता है कि इंसिडेंट एनर्जी क्यू का कितना पार्ट एब्जॉर्ब हुआ। इट इज अ रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब टू दैट ऑफ टोटल रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन हमको ये बताता है कि जितना रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हुआ था उसका कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ। और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन हमको ये बताता है कि टोटल रेडिएंट एनर्जी जो इंसिडेंट हुआ था उसका कितना पार्ट ट्रांसमिट हुआ। तो वन इक्वल टू ए प्लस आर प्लस टी। फिर हमने ए आर और टी की वैल्यू से चार टाइप के हमने सब्सटेंसेस देखे थे। सबसे पहला था डायटर्मिनस। डायटर्मिनस में सिर्फ ट्रांसमिशन होता है, देर इज नो एब्जॉर्प्शन, देर इज नो रिफ्लेक्शन। और ऐसे सब्सटेंस होते हैं ट्रांसपेरेंट टू रेडिएंट एनर्जी। थर्मल रेडिएशन को ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब थर्मल रेडिएशन कैन पास थ्रू। उसके बाद हमने देखा था टी इज जीरो, ए प्लस आर इज वन। तो जो भी एनर्जी उस पे इंसिडेंट होगा सब्सटेंस पे, वो या तो एब्जॉर्ब होगा या फिर रिफ्लेक्ट होगा, सिर्फ ट्रांसमिट नहीं होगा। तो सच सब्सटेंसेस आर ओपेक, बराबर एथर्मिनस, बराबर। उसके बाद हमने देखा था आर इक्वल टू वन, ए एन टी जीरो, परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स। जितना भी एनर्जी इंसिडेंट हुआ पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो गया। उसके बाद हमने देखा था ए इक्वल टू वन, आर एन टी जीरो, जितना भी एनर्जी इंसिडेंट हुआ पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया, परफेक्ट एब्जॉर्बर्स और ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडियंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट। ये हमने डिफाइन किया था। फिर हमने देखा था कि प्रैक्टिकली नो ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट। तो फेरीज ब्लैक बॉडी क्या होता है, क्योंकि नेचर में परफेक्ट एब्जॉर्बर नाम की चीज नहीं है। तो फेरी ने एक आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी बनाया। तो हमने देखा था कि इट कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड हॉलो स्पीयर, राइट। देर वॉज अपर्चर एंड डायमेट्रिकली अपोजिट टू अपर्चर देर वॉज अ कॉनिकल प्रोजेक्शन। आउटर सरफेस वॉज निकेल और सिल्वर पॉलिश एंड इनर सरफेस वॉज कोटेड बाय लैम ब्लैक। जैसे ही इंसिडेंट रेडिएशन आएगा कॉनिकल पोजिशन को डाइवर्ट करेगा। तो अपर्चर को डायमेट्रिकली अपोजिट रिफ्लेक्शन होता है, सिर्फ डाइवर्जन के लिए होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो इंसिडेंट एनर्जी आया, और ये याद होना चाहिए, क्योंकि ये याद नहीं तो अगले टॉपिक के साथ कनेक्ट कैसे करोगे। अनलेस यू डोंट नो व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी, यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। तो दैट इज समथिंग यू शुड नो। तो आई विल जस्ट शो यू द डायग्राम अगेन। तो डायग्राम देख लेते हैं एक बार हम लोग, जस्ट अ मिनट। ओके फाइनली गुड। तो ये था फेरीज ब्लैक बॉडी। अपर्चर को डायमेट्रिकली अपोजिट एक कॉनिकल प्रोजेक्शन है। कॉनिकल प्रोजेक्शन काम था रेडिएशन को डाइवर्ट करना।
जब पहला रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि इनसाइड लैंड ब्लैक का कोटिंग है, तो पहले रिफ्लेक्शन पे 98% ऑफ द एनर्जी इज एब्जॉर्ब, 2% इज रिफ्लेक्टेड। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर 100 कैलोरी ऑफ एनर्जी है तो 98 कैलोरी ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब हियर एंड 2 कैलोरी इज रिफ्लेक्टेड। दूसरे दूसरे रिफ्लेक्शन पे 98% ऑफ 2 कैलोरी इज एब्जॉर्ब एंड द रिमेनिंग इज रिफ्लेक्टेड, मतलब 1.96 इज एब्जॉर्ब एंड 0.04 इज रिफ्लेक्टेड। ऐसा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होता है, कंप्लीटली एनर्जी क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड हेंस दिस स्मॉल एपर्चर इज नोन एज स्फेरिस ब्लैक बॉडी। पूरा स्पीयर ब्लैक बॉडी नहीं है, कौन है, सिर्फ एपर्चर। वेरी गुड। और इसको हमने हॉलो रखा था, द रीजन वॉज हॉलो क्यों होना चाहिए, टू अवॉइड एनी लॉस ड्यू टू कंडक्शन और कन्वेक्शन। तो अब इसके आगे, और एज आई टोल्ड यू रेडिएशन पार्ट ये बहुत छोटा भी है और ये एक्चुअली बेसिकली बहुत सारा थ्योरी भी है, सो दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड टू पुट दिस इन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन देन इंस्टेड ऑफ राइटिंग सो मच ऑफ थ्योरी। तो अगला टॉपिक है स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अब ब्लैक बॉडी अगर हर एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि आपने ही बोला व्हाट इज ब्लैक बॉडी, अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट। तो जो बॉडी सारे के सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, वो बॉडी सारे के सारे वेवलेंथ को इमिट भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सन और एनी स्टार इज अ ब्लैक बॉडी, तो सन पे जो भी एनर्जी इंसिडेंट होगा वो एब्जॉर्ब करेगा। एडिशनली सन और एनी स्टार ऑल्सो इमिट्स ऑल द वेवलेंथ। तो जब आप बोलते हो ना स्पेक्ट्रम, क्योंकि स्पेक्ट्रम यू मस्ट हैव हर्ड, आपको पता ही होगा, जहां भी स्पेक्ट्रम वर्ड आता है तो यू नो सबसे एनर्जेटिक कौन है, गामा, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में तीन पार्ट थे, नियर, मिड एंड फार। उसके बाद क्या था, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव एंड देन रेडियो वेव। गुड। तो जब स्पेक्ट्रम की बात करते हो तो हम लोग करते क्या है, स्पेक्ट्रम की जब बात होती है तो हम चेक क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि कितना एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इमिट हुआ है फॉर ईच वेवलेंथ एट अ गिवन टेम्परेचर। तो जब भी इसके आगे तुम स्पेक्ट्रम वर्ड सुनोगे तो हमें याद रखना, स्पेक्ट्रम के केस में हम लोग चेक करते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ बॉडी। हमारे पास एक हॉट बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल स्टार, फॉर एग्जाम्पल सन, उसके सरफेस के यूनिट एरिया में से, यूनिट एरिया क्योंकि तुमने टोटल एरिया से डिवाइड कर दिया। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टोटल एनर्जी इमिटेड इज 100 जूल एंड टोटल एरिया इज 10 मीटर स्क्वायर, क्या करोगे, डिवाइड बाय 10, बराबर, करेक्ट। तो टोटल जब मैं बोल रहा था 100 जूल, तो 100 जूल कहां से आ रहा था, पूरे के पूरे बॉडी से आ रहा था। टोटल एरिया कितना था, 10 मीटर स्क्वायर, तो मैंने टोटल एनर्जी को टोटल एरिया से डिवाइड कर दिया, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि यूनिट एरिया से कितना एनर्जी आ रहा है। तो जब भी बोलते हो एनर्जी पर यूनिट एरिया, मतलब आप ये देख रहे हो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड फ्रॉम यूनिट एरिया ऑफ दैट बॉडी, और टाइम से डिवाइड करते हो, मतलब आप चेक कर रहे हो कि हर एक सेकेंड में कितना एनर्जी इमिट हुआ। तो ये अभी याद रखना, इसमें कंफ्यूजन बहुत होगा आगे। व्हेन आई सेड टोटल एनर्जी, इट मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड बाय द बॉडी इन टाइम टी सेकेंड्स, बराबर। जब मैंने बोला एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया का मतलब होता है बॉडी के यूनिट एरिया से कितना एनर्जी इमिट हो रहा है। मैंने अगर बोला एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब पर सेकेंड, इसका मतलब बॉडी के यूनिट एरिया में से एक सेकेंड में कितना एनर्जी इमिट हो रहा है। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको आप नॉर्मली फिजिक्स में बोलते हो इंटेंसिटी, क्या बोलते हो इसको, इंटेंसिटी। यहाँ तक क्लियर। तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ये पढ़ने से पहले, ये समझने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी। व्हाट इज इंटेंसिटी, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बॉडी के यूनिट एरिया में से एक सेकेंड में से जितना भी एनर्जी इमिट होगा उसको क्या बोलोगे, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन या फिर इंटेंसिटी। गुड। तो अब
ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम या फिर स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये देखने के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग अलग अलग बॉडीज को लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा ही है डिफरेंट सोर्सेस, मतलब डिफरेंट ब्लैक बॉडीज, इसको हम लोग अलग अलग टेम्परेचर पे रखते हैं, सो वी आर केप्ट एट डिफरेंट फिक्स टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी लिया 500 केल्विन, दूसरा लिया 1000 केल्विन, तीसरा लिया 2000 केल्विन, चौथा लिया 4000 केल्विन, और हर एक का इंटेंसिटी मेजर करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वॉज मेजर, व्हाट इज इंटेंसिटी? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बराबर। उसी इंटेंसिटी को सिर्फ रेडिएशन इस चैप्टर में हम आई की जगह पे डिनोट करते हैं ई से। किससे करते हो? ई से। तो व्हाट वी डू इज वी टेक डिफरेंट सोर्सेस, डिफरेंट ब्लैक बॉडीज, एंड कीप देम एट फिक्स्ड टेम्परेचर्स, एंड देन वी मेजर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। मतलब बेसिकली ऐसा है, मैंने एक बॉडी लिया, उसका टेम्परेचर फिक्स कर दिया 1000 केल्विन, मैं ये देख रहा हूँ कि उसके यूनिट एरिया में से 1 सेकंड में कितना एनर्जी इमिट हो रहा है। अब लेकिन जब तुम एनर्जी इमिशन की बात करते हो, तो मैंने अभी बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम गामा रेडिएशन एंड गोज अप टू रेडियो वेव्स। तो हम अलग अलग वेवलेंथ पे मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 4000 एंगस्ट्रॉम पे कितना एनर्जी इमिट हुआ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फॉर एग्जाम्पल 5000 पे कितना इमिट हुआ, फॉर एग्जाम्पल 6000 पे कितना इमिट हुआ। तो व्हाट वी डू इन दिस केस, वी कीप डिफरेंट सोर्सेस एट डिफरेंट फिक्स टेम्परेचर्स, एंड वी मेजर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेवलेंथ्स। अलग अलग वेवलेंथ में मेजर करोगे, ये याद रखो। और ये जो मेजरमेंट्स है, ये मेजरमेंट्स आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, सो दिस मेजरमेंट्स वेर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को किससे डिनोट करते हो? ई से। मैंने अभी बताया था ई लैम्डा क्यों लिखा है, क्योंकि तुमने विद रिस्पेक्ट टू क्या मेजर किया? वेवलेंथ। तो इससे क्या बोला है इसको? ई लैम्डा। तो द मेजरमेंट्स वेर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स शोइंग वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ई लैम्डा विथ वेवलेंथ लैम्डा एट डिफरेंट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, वॉट वी डू इज हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जिसको हम लोग ई लैम्डा बोल रहे हैं यहाँ पे, और एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं लैम्डा। पहले हम बॉडी को एक फिक्स टेम्परेचर पर रखेंगे, यू कैन टेक एनी टेम्परेचर एज यू वॉन्ट, 500 केल्विन, 1000 केल्विन, 2000, 1500, जो भी लेना हो, बट वी विल टेक ओनली वन टेम्परेचर इनिशियली। तो एक फिक्स टेम्परेचर पे हम जब प्लॉट करेंगे तो हमको ग्राफ ऐसा मिलता है। तो व्हाट डू यू नोटिस इज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू नोटिस इज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन? वाई एक्सिस। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सो इट इज सीन दैट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ा, वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी बढ़ा, बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया। और उसके बाद जैसे वेवलेंथ इंक्रीज किया, तो इंटेंसिटी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। सो फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा मैक्स, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बिकम्स मैक्सिमम। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, और उस वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? लैम्डा मैक्स। तो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, लैम्डा मैक्स पे, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या है? मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम दिख रहे हैं सबसे ज्यादा, राइट, करेक्ट। एंड देन उसके बाद क्या हुआ? देन डिक्रीज विद फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ। तो लैम्डा मैक्स के बाद जैसे मैंने वेवलेंथ बढ़ाया, इंटेंसिटी से वापस से क्या हो गया? कम। गुड, राइट। और अगर मुझे टोटल एनर्जी इमिटेड बाय द बॉडी चाहिए होगा, तो टोटल एनर्जी इमिटेड बाय द बॉडी एट ऑल द वेवलेंथ निकालना है, तो आपको क्या फाइंड करना होता है? एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व क्या देगा हमको? क्या देगा? टोटल एनर्जी इमिटेड। सो एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एट ऑल द वेवलेंथ्स। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। व्हाट वी डू इज वी टेक डिफरेंट ब्लैक बॉडीज, डिफरेंट सोर्सेस, एंड कीप दिस ब्लैक बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, एंड वी मेजर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेवलेंथ्स।
और ये जो हमारे पास मेजरमेंट्स है, क्योंकि तुमने अगर एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, तो अगर आप एक फिजिकल पैरामीटर मेजर कर रहे हो तो टेबल बनाते हो ना, इंटेंसिटी और एक में वेवलेंथ। तो ये जो आपके पास वैल्यूज है, किसका वैल्यू है? इंटेंसिटी का, और किसका है? वेवलेंथ का। इसको तुम ग्राफिकली प्लॉट करोगे और ग्राफिकली तुमको एक कर्व मिलेगा, और उस कर्व का जो आपका ऑब्जर्वेशन है वही बताना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, ये नंबर वन। क्योंकि हमने देखा था जैसे जैसे हम लोग हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया था, क्या प्लॉट किया था हमने? वेवलेंथ। वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया? क्या प्लॉट किया? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो यू आर प्लॉटिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो व्हाट वी नोटिस इज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। वेवलेंथ यहाँ पे कम है, यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, और इसके साथ कौन बढ़ते गया? इंटेंसिटी। तो पहला ऑब्जर्वेशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसा हुआ, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ पे, जिसको तुम क्या बोल रहे हो? लैम्डा मैक्स। इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब मैंने वेवलेंथ को फर्दर इंक्रीज किया, तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ऑब्जर्वेशन नंबर टू, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन रीचेस मैक्सिमम फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ नोन एज लैम्डा मैक्स, विथ फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डिक्रीजेस। बराबर। अगर मुझे टोटल एनर्जी इमिटेड, अब टोटल एनर्जी क्यों बोल रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक वेवलेंथ था, इस वेवलेंथ पे बॉडी ने इतना एनर्जी इमिट किया, ये दूसरा वेवलेंथ है, इस दूसरे वेवलेंथ पे बॉडी ने पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इतना एनर्जी इमिट किया, ये तीसरा वेवलेंथ है, यहाँ पे बॉडी ने पर यूनिट टाइम पर यूनिट एनर्जी और कुछ वैल्यू इमिट की। अगर मुझे टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट ऑल द वेवलेंथ चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं सारे के सारे वैल्यूज क्या करूंगा? कंसिडर करूंगा, और उसको क्या करूंगा? ऐड करूंगा। और आपको पता है जब कंटिन्यूअसली वैल्यूज हो उसको ऐड करो तो उसको क्या बोलते हो तुम? इंटीग्रेशन। और आपको पता है इंटीग्रेशन क्या आता है? एरिया अंडर द कर्व। ऐसा हमने 11th में सीखा है, ठीक है ना? राइट। तो फिर एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या देगा? क्या देगा? टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एट ऑल द वेवलेंथ्स। तो यहां तक क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? तो ये तीन ही ऑब्जर्वेशंस है, ओनली थ्री ऑब्जर्वेशन। लेकिन एज आई टोल्ड यू, हमने यहाँ पे एक ही टेम्परेचर लिया था, फॉर एग्जाम्पल जस्ट 1000 केल्विन। बट अगर अब मैं दो चीज कर सकता हूँ, सेम बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकता हूँ 1000 से 2000, फिर 3000, फिर 4000, या फिर मैं अलग अलग बॉडीज लूंगा सेम साइज के और उन सारे बॉडीज को अलग अलग टेम्परेचर पर रखूंगा। तो आई कैन डू टू थिंग्स। अगर मेरे पास एक ही बॉडी है तो मैं एक ही बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते जाऊंगा, पहले 1000 केल्विन पे मैंने ऑब्जर्वेशन लिए, अब 2000 पे लूंगा, फिर 2000 पे लूंगा, फिर 4000 पे लूंगा, फिर 5000 पे लूंगा, या फिर मेरे पास बहुत सारे बॉडीज अवेलेबल है सेम साइज के, तो एक को 1000 पे, दूसरे को 2000 पे, तीसरे को 3000 पे, चौथे को 4000 पे रख के एक साथ सबके मेजरमेंट लूंगा। तो व्हाट इज सीन दैट जब तुम अलग अलग टेम्परेचर पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मेजर करते हो, तो व्हाट डू वी सी इज, व्हाट डू वी नोटिस इज द ग्राफ कंटिन्यूज टू बी नॉन यूनिफॉर्म। अब ये नॉन यूनिफॉर्म वर्ड क्या है फिर, ये भी तो पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन? यूनिफॉर्म मतलब सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ऐसा बॉडी होता जो किसी भी वेवलेंथ पे सेम इंटेंसिटी इमिट कर रहा है, तो क्या आएगा पता है? स्ट्रेट लाइन। इसको आप बोलते हो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे बताओ, ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? वेरी गुड। और हमने ये जो पहला ग्राफ प्लॉट किया, ये कितना टेम्परेचर पे है? 1000 केल्विन। नाउ अगर मैं सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करता हूँ एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो हम नोटिस क्या करते हैं? वी नोटिस दैट द डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स नॉन यूनिफॉर्म। मतलब अभी भी वैसा ही चल रहा है, अलग अलग वेवलेंथ पे इंटेंसिटी इज डिफरेंट।
राइट। तो देखो 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 यहाँ पर है, सो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इंक्रीज, ऑब्जर्वेशन नंबर वन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डू यू सी दिस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कंटिन्यूज टू बी नॉन यूनिफॉर्म, बराबर। और अगर आपके ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि मैंने ग्राफ वैसे ही प्लॉट किया है, यहाँ पे था लैम्बडा मैक्स, लैम्बडा मैक्स इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ एट विच द एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज मैक्सिमम। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये 1000 केल्विन था, ये 2000 केल्विन है, ये 3000 केल्विन है, तो एज यू नोटिस जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो जो पीक है मतलब जिस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रहा है, वेवलेंथ क्या होती जा रहा है, कम शिफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, और क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन नंबर टू, पीक ऑफ किसका पीक, ई लैम्डा मतलब कौन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वर्सेस लैम्डा, शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, इट मींस दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और अगर आपको इसके इनसाइट समझने हैं, बहुत सिंपल भाषा में समझा देता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 केल्विन था टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और मैक्सिमम इंटेंसिटी हमको मिला था, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 4000 एंगस्ट्रॉन्ग पे, 4000 एंगस्ट्रॉन्ग इज ब्लू कलर, बराबर। 1000 केल्विन जब था, 1000 केल्विन जब था, मैं वो भी बता रहा हूँ आपको, जब हमारा टेम्परेचर 1000 केल्विन था, उस केस में अगर आपको पीक मिला है, कितने में मिला है, 4000 एंगस्ट्रॉन्ग पे, तो 2000 जब मैंने रखा, तो जो पीक मिलेगा वो 4000 से कम पे मिलेगा। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पीक आपको और भी कम मिलेगा। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वेवलेंथ एट विच इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज मैक्सिमम शिफ्ट टू द लेफ्ट। और अगर आपको याद होगा, मैंने एक बार कई एस्ट्रोनॉमी का लेक्चर लिया था, आई डोंट नो इफ यू हैव अटेंडेड और नॉट, लास्ट ईयर भी था, इस साल भी था, तो मैंने उसमें आपको कलर कोडिंग स्कीम बताया था स्टार्स का। मैंने आपको बताया था कि जो ब्लू स्टार होता है, ब्लू वो सबसे हॉट होता है, बराबर, करेक्ट ना। तो हॉट होता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम उसका इंटेंसिटी लोअर वेवलेंथ पे होगा, तो ब्लू लोअर होता है ना कि रेड लोअर होता है, ब्लू लोअर होता है कि रेड लोअर होता है, ब्लू लोअर होता है, विद कलर पता है ना आपको, वायलेट इंडिगो ब्लू येलो ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। तो दैट इज द रीजन, जितना स्टार हॉट होगा, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, उतना ही मैक्सिमम इंटेंसिटी इज एट लोअर वेवलेंथ, और जितना टेम्परेचर कम होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी इज एट हायर वेवलेंथ। तो इसके लिए जो रेड कलर के स्टार्स होते हैं, जो रेड दिखता है आपको, वो हॉट होंगे कि कोल्ड होंगे, कोल्ड होंगे, वेरी गुड, दैट इज द रीजन इट कम्स फ्रॉम ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो यहां तक क्लियर। तो जो पहला केस था, पहले केस में हमने एक सिंगल ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम स्टडी किया है, ये इंपॉर्टेंट है, सिंगल ब्लैक बॉडी। तो सिंगल ब्लैक बॉडी के लिए आप क्या करते हो, एक ब्लैक बॉडी लेते हो, उसका टेम्परेचर फिक्स करते हो, अलग अलग वेवलेंथ पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मेजर करते हो, उसका ग्राफ प्लॉट करते हो, एंड व्हाट डू यू नोटिस इज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, इट विच इज अ मैक्सिमम वैल्यू। सो द वेवलेंथ एट विच इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज मैक्सिमम नोन एज लैम्डा मैक्स, तो इट रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू, एंड देन उसके बाद क्या होता है, विद फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन decreases, okay, area under the curve gives total energy emitted per unit time, per unit area at one wavelength, at all wavelengths। फिर हमने क्या किया, फिर हमने सोचा कि हम एक काम करेंगे, अलग अलग temperature पर रखे देखेंगे। तो जब हमने अलग अलग temperature पे body को लिया और वापिस से हमने intensity of radiation measure किया है as a function of wavelength, तो हमको एक चीज समझ में आई कि नेचर ऑफ द ग्राफ तो सेम है, मतलब अभी भी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है।
एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कंटिन्यूज टू बी नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन व्हाट वी नोटिस इज, क्या नोटिस कर रहे हो, देखो यहाँ पे भी ग्राफ है, तो जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। पीक ऑफ ई लैम्डा मतलब पीक ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, इट मीन्स दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स डिक्रीजेस। और एक चीज तुमने नोटिस किया होगा, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही टोटल एनर्जी रेडिएटेड ज्यादा है। अगर 1000 केल्विन का ग्राफ लेता हूँ तो 1000 केल्विन के केस में इतना ही एरिया आ रहा है, तो एरिया फॉर 1000 केल्विन ग्राफ इज लेस और एरिया फॉर 3000 केल्विन ग्राफ इज मोर। तो ज्यादा टोटल एनर्जी किसने इमिट किया है, 3000 में, सिंपल। तो वो तीसरा पॉइंट है, लुक थर्ड पॉइंट दिया है, देखा गया ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, देखो क्या लिखा है, एट हायर टेम्परेचर्स द टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो हायर। क्लियर, यहां तक क्लियर, पक्का पक्का, सिंपल था पक्का। तो कौन से तीन ऑब्जर्वेशन थे आपके पास सिंगल ब्लैक बॉडी के विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस, राइट करेक्ट, देन इट रीचेस द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज मैक्सिमम एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ नोन एज लैम्डा मैक्स विथ फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डिक्रीजेस। नंबर थ्री, एरिया अंडर द कर्व गिव्स टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एट ऑल वेवलेंथ। फिर हमने जब अलग अलग ब्लैक बॉडीज को कंपेयर किया एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस इज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूज टू बी नॉन यूनिफॉर्म। नंबर 2, लैम्डा मैक्स शिफ्ट टू द लेफ्ट, इसका इसका मतलब होता है लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस लैम्डा मैक्स डिक्रीजेस, ये हो गया 2। ऑल्सो थर्ड थिंग दैट यू ऑब्जर्व इज एट हायर टेम्परेचर टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम बाय बॉडी इज ऑल्सो हायर। गुड, अब अगर आपको ये अच्छे से समझा है तो आपको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी समझेगा, क्योंकि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही है, बाकी कुछ नहीं है, इज द सेम थिंग। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो जो हमने यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 भी लिखा है, अभी अभी मैंने बोला, अभी मैंने बोला आपको लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इफ यू आर नोटिसिंग ये जो लैम्डा मैक्स है ये क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, और शिफ्ट होने को फिजिक्स में क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट, बराबर। तो वहां से नाम आता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो व्हाट यू हैव जस्ट सीन इज एज इन अर्लियर द वेवलेंथ एट विच इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज मैक्सिमम डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जिस वेवलेंथ पे हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा था दैट वेवलेंथ डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर कौन सा होता है, अब्सोल्यूट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन स्केल में है। तो लैम्डा मैक्स इक्वल टू बी बाय टी, वेयर बी इज कॉल्ड एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट। तो बहुत सिंपल है, द वेवलेंथ एट विच मतलब लैम्डा मैक्स एट विच द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज मैक्सिमम डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। So lambda max is inversely proportional to temperature. So lambda max equal to B by T, where B is a constant of proportionality known as Wien's displacement constant. उसकी value आती है 2.89 × 10⁻³। तो ये क्या है, ये क्या है, मिली केल्विन है, मीटर केल्विन है, क्या ये सोच के बताओ, पक्का मीटर केल्विन, हाँ, क्योंकि लैम्डा मैक्स इज इन मीटर और टेम्परेचर इज इन केल्विन, तो दैट इज नॉट मिली केल्विन, दैट इज मीटर केल्विन, ओके गुड। तो 2.89 × 10⁻³ इज द वैल्यू ऑफ बी, वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। तो अभी आप वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को स्टेट भी कर सकते हो, और आपको स्टेटमेंट और फॉर्मूला से आगे कुछ है नहीं, इतना ही आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल है, इट स्टेट्स दैट द वेवलेंथ फॉर विच, अभी ये जो हमने बोला इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, बोला ना इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को और एक नाम है, नहीं आएगा तो बता दूंगा मैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लिख लेंगे पीछे था, तो पहले हम लोग इमिसिव पावर देख लेते हैं।
नो वरीज, बहुत सिंपल है एमएसए पावर। फिर हम लोग जाएंगे बाद में वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे। तो एमिसिव पावर एट अ गिवन टेम्परेचर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक बॉडी यूनिट टाइम में यूनिट एरिया में से जितना भी रेडिएंट एनर्जी इमिट करेगा उसको क्या बोलोगे? एमिसिव पावर। सो इट इज कैसे डिफाइन करोगे? एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी क्या है ये, कैसे करोगे? इट इज द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, बाय बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो लेट अस से रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय बॉडी इज क्यू, एरिया ऑफ द बॉडी इज ए, एंड टाइम फॉर विच द बॉडी इमिट्स रेडिएशन इज टी। तो क्यू अपॉन ए टी इज नथिंग बट इमिसिव पावर, करेक्ट? वेयर क्यू इज टोटल रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय द बॉडी, ए इज एरिया ऑफ द बॉडी, एंड टी इज द टाइम फॉर विच बॉडी इमिट्स रेडिएशन। क्लियर? तो इमिसिव पावर क्या है? इंटेंसिटी ही है, लेकिन वो क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और एनर्जी हम नॉर्मली मेजर करते हैं किसमें? जूल में। तो ऐसा यूनिट क्या आएगा इसका? जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और वहां पे ऐसा की जगह पर शायद एसजे यूनिट हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, वो टाइपिंग मिस्टेक, दैट इज ऐसा यूनिट। ओके, तो एनीवेज, वेल बाय द वे, व्हाट इज जूल पर सेकेंड? वैट, दैट इज पावर। तो इसको तुम और ऐसा ही बोल सकते हो, वैट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो अभी आ जाते हैं हम लोग वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे, क्योंकि नाउ यू नो व्हाट इज इमिसिव पावर। व्हाट इज इमिसिव पावर? रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम और डिनोटेड बाय ई। तो अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, द वेवलेंथ फॉर विच इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम। इस इमिसिव पावर को ही हम लोग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बोल रहे थे। ये जो तुम बार बार यहाँ पे बोल रहे हो ना, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, दैट इज नथिंग बट इमिसिव पावर। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का मतलब ही क्या है? इमिसिव पावर। तो अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इमिसिव पावर, द वेवलेंथ फॉर विच इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सिंपल। तो जिस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मतलब इमिसिव पावर मैक्सिमम है, मतलब कौन? लैम्डा मैक्स, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। गुड। अरे पीछे बैठ के गप्पे मारने से थोड़ा समझ लो, ये डोके में जाएगा तो आगे काम में आएगा। सिंपल सिंपल टॉपिक है, ये भी छोड़ दोगे तो फिर फिजिक्स ही छोड़ दो, क्या करेंगे? और मैं थोड़ा ब्लंट हूँ बोलने में, बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू। मेरे पास क्लास लगा लो, टॉप करो, ये फालतू का पब्लिसिटी नहीं होता मेरे से। तो तुम ध्यान दोगे तो करोगे, नहीं करोगे तो नहीं करोगे, मेरा नुकसान नहीं है, नुकसान आप लोगों का, यू डिसाइड। है क्लियर? गुड। तो वो सिंपल सी चीज है, अभी इसको हमने डिस्प्लेसमेंट लॉ क्यों बोला है, मैंने अभी बता दिया। पीक कहाँ शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट। तो जो शिफ्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ कोई फिजिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इट इज नॉट दैट डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल, वो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ग्राफ का जो पीक है वो शिफ्ट हो रहा है, तो इट इज द मोशन ऑफ द पीक, उसको क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट। तो सिंस द पीक ऑफ इंटेंसिटी शिफ्ट और डिस्प्लेसेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, हेंस इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो रिमेम्बर, यहाँ पे कोई मोशन नहीं है, यू आर नॉट इन टू मैकेनिक्स, हम लोग रेडिएशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई मोशन नहीं है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दैट डिस्प्लेसमेंट, हियर डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ पीक। तो ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नॉट एनी फिजिकल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का? गुड। अब अगर आपको याद होगा जो होना चाहिए, हमने कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन डिफाइन किया है, लेकिन हमने कहीं पे भी कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन डिफाइन नहीं किया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हम लोग ये बोल रहे थे कि एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट, सही है? तो एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी जनरेट किसने किया उसकी बात ही नहीं हो रही थी,
कहीं तो जनरेट हुआ, फॉर एग्जाम्पल रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड बाय सन एंड इट फॉल्स ऑन द सर्फेस, तो वो जो इंसिडेंट एनर्जी है उसके तीन चीजें हो सकती है, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन या फिर रिफ्लेक्शन। लेकिन जब मैं खुद ऐसे बॉडी की बात करूंगा जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल सन, फॉर एग्जाम्पल टंगस्टन का बल्ब, फॉर एग्जाम्पल एनी अदर स्टार, राइट, तो उस केस में हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया, क्योंकि बॉडी पे एनर्जी इंसिडेंट ही नहीं हुआ। हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर सकते हैं? नो। कैन यू टॉक अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन? नो। तो यहाँ पे तुम क्या बोलोगे, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन डिफाइन कैसे करोगे? और यहाँ वैसा डेफिनेशन नहीं है जो तुमने पहले यूज किया है। तुमने कह रहे क्या बोला था, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब टू दैट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड टू दैट ऑफ टोटल एनर्जी इंसिडेंट इज कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड टू दैट ऑफ टोटल एनर्जी इंसिडेंट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन के लिए सेम टाइप का डेफिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी इंसिडेंट ही नहीं हुआ, तो तुम रेशो में डिनोमिनेटर में टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ले नहीं सकते हो, हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं फिर, अब कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन के डेफिनेशन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी बॉडीज की हम लोग बात करते हैं इंक्लूडिंग वी आर सेल्फ, तो दो टाइप के बॉडीज होते हैं, एक होता है ब्लैक बॉडी, एक होता है ऑर्डिनरी बॉडी। ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन टू इट, जितना भी रेडिएंट एनर्जी उस पर फॉलो हो पूरा का पूरा क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। एंड ऑल्सो ब्लैक बॉडी इज द बॉडी विच इमिट्स रेडिएंट एनर्जी इन ऑल द वेवलेंथ, राइट। दूसरे टाइप का बॉडी होता है ऑर्डिनरी बॉडी, जैसे हम, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था एक बार कि इफ यू कैन सी आई एम वेयरिंग ग्रीन कलर, इट इज ओनली बिकॉज दिस फैब्रिक रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर, इट एब्जॉर्ब्स ऑल अदर कलर्स बट इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर। तो ऑर्डिनरी बॉडी सारा का सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करता, ऑर्डिनरी बॉडी कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ को रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ को ट्रांसमिट करेगा, बराबर। और ऑर्डिनरी बॉडी सारे के सारे वेवलेंथ इमिट भी नहीं करता। तो ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएंट एनर्जी फॉलिंग ऑन टू इट, ऑर्डिनरी बॉडी डज नॉट एब्जॉर्ब ऑल द एनर्जी फॉलिंग ऑन टू इट। तो जब हमको कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन डिफाइन करना है, अब जब इमिशन की बात करते हो तो इमिशन या तो ब्लैक बॉडी से आ सकता है जैसे स्टार सन, या फिर इमिशन किसी ऑर्डिनरी बॉडी से भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल लाइट सोर्सेस, फॉर एग्जाम्पल गैस चालू किया तो बर्नर में से जो तुम फायर देखते हो वो भी तो रेडिएशन इमिट कर रहा है ना। तो यू कैन हैव रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस, नंबर वन इज ब्लैक बॉडी, नंबर टू इज ऑर्डिनरी बॉडी। तो जब तुम कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन डिफाइन करते हो ये हमेशा इन कंपैरिजन विद ब्लैक बॉडी होता है, क्योंकि ब्लैक बॉडी इज द बॉडी विच बेसिकली इमिट्स द मैक्सिमम रेडिएशन। तो सबसे ज्यादा रेडिएशन कौन इमिट करता है, ब्लैक बॉडी। तो हम जब भी ऑर्डिनरी बॉडी का या किसी भी बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन डिफाइन करेंगे तो वो इन कंपैरिजन विद किसका रहेगा, ब्लैक बॉडी। तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, और वेल बाय द वे ये हमेशा एट अ गिवन टेम्परेचर होता है। अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन डिफाइन करना है इट इज ऑलवेज एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब ऑलवेज एट अ फिक्स टेम्परेचर। तो इट इज डिफाइंड एज कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी, जब मैं बोल रहा हूँ ऑफ द बॉडी तो कौन सा बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी, टू दैट ऑफ इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। मतलब हम लोग करते क्या है, इन शॉर्ट हम एक ऑर्डिनरी बॉडी लेते हैं, हम एक ब्लैक बॉडी लेते हैं, ऑर्डिनरी बॉडी को और ब्लैक बॉडी को सेम टेम्परेचर पर रखते हैं और उन दोनों बॉडीज का हम लोग इमिसिव पावर मेजर करते हैं। व्हाट इज इमिसिव पावर, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो बॉडी के यूनिट एरिया में से, यूनिट टाइम में से, मतलब 1 सेकेंड में से कितना एनर्जी इमिट हो रहा है, हम दोनों बॉडीज का कंपेयर करते हैं। तो हमने ले लिया एक ऑर्डिनरी बॉडी और हमने ले लिया एक ब्लैक बॉडी। तो फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक बॉडी है, राइट, तो व्हाट वी विल डू इज इसका इमिसिव पावर मेजर करेंगे ई बोल देंगे, इसका इमिसिव पावर मेजर करेंगे क्या बोल देंगे ई बी।
और इन दोनों का क्या लेंगे, रेशो, और उस रेशो को क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी टू दैट ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। आप ऐसा नहीं कर सकते, ऑर्डिनरी बॉडी को 1000 केल्विन पे रखा और ब्लैक बॉडी को 2000 पे रखा, चलेगा क्या ऐसा? नहीं। तो बोथ द बॉडी शुड बी एट सेम टेम्परेचर। तो ई इक्वल टू ई अपॉन ई बी, ये वहां पे मिसिंग है नोट्स में। नोट्स में कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन के बिल्कुल बाद, राइट आफ्टर डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, यू शुड हैव ई इक्वल टू ई अपॉन ई बी, वेयर ई इज, व्हाट इज ई हियर, इमिसिव पावर, किसका इमिसिव पावर, ऑर्डिनरी बॉडी का। तो इमिसिव पावर ऑफ बॉडी, ऑफ बॉडी, एंड व्हाट इज ई बी, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। और एक मिसअंडरस्टैंडिंग निकाल दो दिमाग में से, जैसे ब्लैक बॉडी सुना तो बॉडी अपीयर्स ब्लैक, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो सकता है और ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है। गुड, तो एनीवेज व्हाट इज इमिसिव पावर, इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी टू दैट ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। मैं बार बार बोल रहा हूँ सेम टेम्परेचर, क्योंकि अगला जो लॉ है किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, वैसे ये भी किरचॉफ्स लॉ है, नॉट किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। तो वहां पे आपको ये पता होना चाहिए, बोथ द बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर, और बोथ द बॉडीज सेम टेम्परेचर पे कब आते हैं वो भी देखेंगे हम लोग वेरी सून। तो अब सपोज मेरे पास दोनों ही बॉडी ब्लैक बॉडी, I don't have ordinary body. I have one black body. I have other black body. What will be coefficient of emission? One. Because in that case, E की जगह पे क्या लिखोगे? EB. और EB upon EB will become one. So what is coefficient of emission for a black body? One. Again, very important. And मैंने आपको जैसे बताया, ordinary body और black body में difference ये है कि ordinary body हर एक wavelength emit नहीं करता, लेकिन ब्लैक बॉडी करता है क्या? यस yes. तो इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी का ज्यादा कि ऑर्डिनरी बॉडी का ज्यादा? ब्लैक बॉडी का। और अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो नंबर ये वन से छोटा होता है कि बड़ा होता है? छोटा होता है। तो जब तुम ऑर्डिनरी बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन निकालोगे तो ये ई की वैल्यू ई बी की वैल्यू से क्या है? स्मॉलर है। तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन फॉर ऑर्डिनरी बॉडी इज बिटवीन 0 and 1। तो ई की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में आई तो कौन सा बॉडी है? ऑर्डिनरी बॉडी। और अगर 1 आई तो कौन सा बॉडी है? ब्लैक बॉडी। क्लियर यहाँ तक? तो वापस एक बार पूरा का पूरा जो भी तुमने आज सीखा है सब सब कुछ वापस एक बार याद करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको खुद को याद करना है। आज का पहला टॉपिक क्या था? क्या था? स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो डू यू रिमेंबर हाउ द ग्राफ लुक लाइक फॉर अ सिंगल बॉडी? यस। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस, बिकम्स मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस अगेन। टोटल एनर्जी इज गिवन बाय एरिया अंडर द कर्व। उसके बाद अगर हम अलग अलग बॉडीज को लेते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स नॉन यूनिफॉर्म, कंटिन्यूस टू बी नॉन यूनिफॉर्म, एंड द पीक एट विच इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बिकम्स मैक्सिमम शिफ्ट टू द लेफ्ट, विच मीन्स लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एट हायर टेम्परेचर द टोटल एनर्जी इमिटेड बाय बॉडी इज ऑल्सो हायर, राइट। उसके बाद हमने क्या डिफाइन किया? इमिसिव पावर। इमिसिव पावर इज द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्यू अपॉन ए टी, बराबर। ऐसा यूनिट क्या था?
जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या फिर वाट पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या देखा, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इन शॉर्ट लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी इज नथिंग बट वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। एट हायर टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ एट विच इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज मैक्सिमम इज लोअर, तो पीक शिफ्ट टू द लेफ्ट। उसके बाद हमने क्या देखा, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन इज नॉट लाइक कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। बेसिक डिफरेंस ये है, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन में तुम ऐसा बोलते हो कि एक सरफेस पे रेडिएशन आके इंसिडेंट हुआ, कहां से आया वी डोंट केयर, कहीं से तो आया, तो उसमें या तो एब्जॉर्ब होगा या रिफ्लेक्ट होगा या ट्रांसमिट होगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब टू दैट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन में बॉडी खुद एनर्जी इमिट कर रहा है, तो हम सेम तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन को डिफाइन नहीं कर सकते, तो हमको मेथड चेंज करना पड़ा। हमने मेथड क्या किया, हमने दो बॉडी ले लिए, एक था ऑर्डिनरी बॉडी और एक था ब्लैक बॉडी, दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखा है बराबर, दोनों का हमने इमिसिव पावर मेजर किया है और दोनों का रेशियो ले लिया है। तो इट इज कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर इज अ रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी टू दैट ऑफ इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। ये जरूरी है, ये थ्योरी है, थ्योरी याद रखना है तो समझना पड़ता है। तो E इक्वल टू स्मॉल E इक्वल टू कैपिटल E अपॉन EB। अगर दोनों बॉडीज ब्लैक बॉडी होंगे तो स्मॉल E इक्वल टू EB अपॉन EB दैट इज वन। तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन फॉर ब्लैक बॉडी, वन। एंड व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन। वेरी गुड। तो अब अगर ये समझा है तो नेक्स्ट लॉ दैट इज किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, इट इज रिलेटेड टू दिस डेफिनेशन। अब ये हमको बताता क्या है किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, इसके बेसिकली दो दो स्टेटमेंट बनते हैं। और किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन याद रखना, ये हम लोग ऑर्डिनरी बॉडी के लिए डिफाइन करते हैं। किसके लिए डिफाइन करते हैं, किसके लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, ऑर्डिनरी बॉडी। ब्लैक बॉडी के लिए हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता मैं बताता हूँ इन अ वाइल, लेकिन किसके लिए कर रहे हो, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। तो ए इक्वल टू ई, किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन मतलब स्मॉल ए, व्हाट इज स्मॉल ए, व्हाट इज स्मॉल ए, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज स्मॉल ई, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। तो इसको बोलते हो किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। तो देखो इट सेड दैट कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी is equal to its coefficient of emission at any given temperature. So, for example, मेरे पास एक बॉडी है 1000 केल्विन पे, तो 1000 केल्विन पे उस बॉडी का जितना coefficient of absorption होगा उतना ही उसका क्या होगा, coefficient of emission. तो ये हो गया statement of Kirchhoff's law of radiation. It says that coefficient of absorption of a body is equal to its coefficient of emission at any given temperature. तुम कोई भी टेम्परेचर लो, फिक्स रख दो, उस फिक्स टेम्परेचर पे कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन आर सेम। अब इसका हम लोग एक अल्टरनेट डेफिनेशन बना सकते हैं, अल्टरनेट स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो यू जस्ट सेड ए इक्वल टू ई, लेकिन अभी आपने बताया व्हाट इज ई, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, वो क्या था, ई बाय ई बी। तो मैं यहां से तो लिख सकता हूँ क्या, ई बी इक्वल टू ई बाय ए, ये बन गया उसका अल्टरनेट स्टेटमेंट। तो किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी टू दैट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। बराबर। हमने क्या किया, हमने सिर्फ ई की जगह पे लिख दिया ई अपॉन ई बी, फिर हमने ई बी को शिफ्ट कर दिया, तो क्या मिल गया मुझे, ई बी इक्वल टू ई बाय ए। तुम नोटिस कर रहे हो, तो लेफ्ट हैंड साइड टॉक्स अबाउट ब्लैक बॉडी एंड राइट हैंड साइड टॉक्स अबाउट ऑर्डिनरी बॉडी, और राइट हैंड साइड का रेशियो है किसका, इमिसिव पावर का और कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का। तो इट सेड दैट द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर किसका, ऑर्डिनरी बॉडी का, टू दैट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला तो दिखाई है, मैंने बताया अभी, जिसको इक्वेशन नंबर 2 बोला तुमने।
ई अपॉन ए इक्वल टू ई बी। तो क्या बोला इक्वेशन नंबर टू, देखो इसका अल्टरनेट स्टेटमेंट देखो, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेशो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ बॉडी टू इट्स कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज अ कॉन्स्टेंट एंड दैट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ दैट बॉडी ऑफकोर्स एट द सेम टेम्परेचर। क्लियर? और अगर सेम टेम्परेचर नहीं भी लिखा तो भी सेम टेम्परेचर होता है, क्यों? तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, डेरिवेशन हम लोग करेंगे, हमको प्रूव करना है। यू वांट टू शो टू थिंग्स, एक तो ए इक्वल टू ई इक्वेशन नंबर वन, या फिर ई बी इक्वल टू ई अपॉन ए इक्वेशन नंबर टू, ये आपको शो करना है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको शायद पहले बताया था या फिर मे बी प्रीवियस बैच को बताया होगा, देखो ड्यूरिंग समर स्पेसिफिकली बहुत गर्मी होती है, इवन आफ्टर पुटिंग ऑन एसी, राइट? जब तक कोई नहीं आता क्लास में तब तक मैंने एसी चालू रखा है तो इट फील्स वेरी कोल्ड, बट व्हेन वन बाय वन स्टूडेंट स्टार्ट कमिंग देन इट स्टार्ट्स गेटिंग हॉटर एंड हॉटर। व्हाई? यस, बिकॉज हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, योर बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर एंड सराउंडिंग इज एट लोअर टेम्परेचर, क्योंकि ए सी है तो उसने कूलिंग करके रखा था, तो हीट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम योर बॉडी टू द सराउंडिंग, सही है? करेक्ट। और थोड़ी देर के बाद तुमको ठंड लगती है क्योंकि नाउ योर बॉडी इज एट द सेम टेम्परेचर एज एट ऑफ सराउंडिंग मोर और लेस, ओके बराबर। फिर कोई और आया, फिर कोई और आया, ऐसा आता गया, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पीपल गो ऑन इंक्रीजिंग क्या होता है, हीट फ्रॉम देयर बॉडी इज बेसिकली लॉस्ट टू द सराउंडिंग। एंड रिमेंबर तुम लोग पहले से आके बैठे हो तो योर बॉडी इज एट लोअर टेम्परेचर एंड हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, तो उसके बॉडी का हीट यू आर रिसीविंग नाउ। फिर आफ्टर अ वाइल 10-15-20 मिनट के बाद यू स्टार्ट फीलिंग नॉर्मल, लगता है अभी इतना टेम्परेचर नहीं है, क्यों? क्योंकि अब सारे के सारे बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर। तो व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस, अगर आप दो बॉडीज को सफिशियंटली लॉन्ग टाइम तक छोड़ दो तो दे आर एट सेम टेम्परेचर। इसके लिए मैंने बोला आखिरी में तुमको लिखना पड़ेगा एट द सेम टेम्परेचर, नहीं भी लिखोगे तो उसका मतलब वही होता है, उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम, वो थर्मोडायनेमिक्स में वापस आएगा। अब देखो होगा क्या, हमने एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंक्लोजर लिया, ये कांस्टेंट टेम्परेचर एंक्लोजर क्यों लिया, क्योंकि हमको बाहर का हीट को ना अंदर आने देना है ना अंदर के हीट को बाहर जाने देना है। इसका मतलब हमने जो कांस्टेंट टेम्परेचर एंक्लोजर लिया है ये इंसुलेशन के लिए लिया है, वी डोंट वांट हीट फ्रॉम आउटसाइड टू कम इनसाइड और फ्रॉम इनसाइड टू गो आउटसाइड। और इस कांस्टेंट टेम्परेचर एंक्लोजर में हमारे पास दो बॉडी है, एक है ऑर्डिनरी बॉडी ए और एक है ब्लैक बॉडी बी, और अगर मैं इन दोनों को सफिशिएंट लॉन्ग टाइम तक छोड़ देता हूं तो क्या होगा, बोथ विल बी एट सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ द कांस्टेंट टेम्परेचर एंक्लोजर। मतलब सराउंडिंग का, ब्लैक बॉडी का और ऑर्डिनरी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, सेम है, राइट? नाउ क्लियर? गुड, सिंपल है डेरिवेशन, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो यू शुड नो दैट व्हाई वी आर यूजिंग कांस्टेंट टेम्परेचर एंक्लोजर इज दैट वी वांट द ऑर्डिनरी बॉडी, ब्लैक बॉडी एंड द कांस्टेंट टेम्परेचर एंक्लोजर एट द सेम टेम्परेचर। दिस इज व्हाट हैपेंस विद यू आल्सो, अभी अभी एग्जांपल दिया मैंने आपको, गुड, राइट? तो दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। हमको शो क्या करना है, ए इक्वल टू ई, किसके लिए, किसके लिए, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। ब्लैक बॉडी के लिए कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी वन है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन भी वन है, वो तो ऑलरेडी दोनों वन है, तो उसके तो ऑलरेडी ए इक्वल टू क्या है, ई है, वो तो पता ही है ना, फिर शो क्यों करोगे, किसका नहीं पता, ऑर्डिनरी बॉडी का। गुड, तो हमने क्या किया, हमने एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंक्लोजर लिया, उसमें हमने दो बॉडी रख दी, एक ऑर्डिनरी बॉडी ए और एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी बी। क्लियर? अब कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जो दोनों के लिए आपको लगने वाले हैं, जैसे व्हाट इज कैपिटल ई, इमिसिव पावर, किसका, ऑर्डिनरी बॉडी का। व्हाट इज कैपिटल ई सफिक्स बी, इमिसिव पावर, किसका, ब्लैक बॉडी की। तो लेट ई बी द इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी,
AB be the emissive power of black body. Small a is coefficient of absorption. किसका? Ordinary body. क्योंकि black body का तो one है ना. अब तो मैं लिखूंगा क्या? One equal to coefficient of absorption of black body. से लिखेंगे हम लोग? नहीं लिखेंगे. What is coefficient of emission for black body? One. तो वो भी नहीं लिखेंगे. तो किसका लिखेंगे? किसका लिखेंगे? Ordinary body. तो A is coefficient of absorption of ordinary body and E is coefficient of emission of ordinary body. तो कौन सा पैरामीटर कौन सा बॉडी के लिए है ये पता होना बहुत जरूरी है. तो इसमें तीन टाइप के पैरामीटर आपको देखने को मिलेंगे. तो इवन इन एग्जाम यू कैन डू द सेम लिस्ट भी बना के रख दो. ज्यादा थ्री लिखो मत, नहीं तो याद नहीं रहता है क्या लिखना क्या लिखना. कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर है, उसमें दो बॉडीज है, एक ए है ऑर्डिनरी बॉडी, दूसरा बी है ब्लैक बॉडी. और इसके रिलेटेड कुछ पैरामीटर है जैसे कैपिटल ई एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, ईबी एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ए कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, स्मॉल ई कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी. तो ई ए और स्मॉल ई दे आर पैरामीटर्स रिलेटेड टू ऑर्डिनरी बॉडी, ईबी इज पैरामीटर फॉर ब्लैक बॉडी और देर आर सम कॉमन पैरामीटर्स ऑल्सो. तो दोनों में कुछ कॉमन भी है जैसे एरिया दोनों का सेम है, दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो मैंने लिखा है आगे, लिखा है मैंने यहाँ पे ए इज सरफेस एरिया ऑफ बोथ द बॉडीज ऑर्डिनरी एज वेल एज ब्लैक बॉडी. वैसे ही क्यू, अब ये क्यू क्या है वो भी समझ लो. देखो जब तक टेम्परेचर सेम नहीं होता, जब तक टेम्परेचर सेम नहीं होता ऑर्डिनरी बॉडी हीट रिलीज करेगा बराबर, और वो हीट किसके ऊपर जाके इंसिडेंट होगा? ब्लैक बॉडी पे. सिमिलरली ब्लैक बॉडी भी हीट रिलीज करेगा, वो किसके ऊपर आके इंसिडेंट होगा? ऑर्डिनरी बॉडी. मतलब दोनों के ऊपर क्या इंसिडेंट हो रहा है? हीट. तो क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑन बोथ द बॉडीज. तो अगर आप देखोगे कैपिटल क्यू इज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट सर्फेस एरिया ऑफ बोथ द बॉडीज. ऑर्डिनरी बॉडी ने जो हीट रिलीज किया वो हीट किसके ऊपर जाकर इंसिडेंट होगा? ब्लैक बॉडी. तो यूनिट एरिया और यूनिट टाइम में ब्लैक बॉडी पे जितना भी एनर्जी इंसिडेंट हुआ है तो क्या बोल रहे हो तुम? क्यू. अब इमिसिव पावर में, इमिसिव पावर के डेफिनेशन में क्यू क्या था? टोटल एनर्जी था. यहाँ पे क्यू क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया है. वो क्यू और ये क्यू अलग है. वो क्यू क्या था? टोटल एनर्जी था. ये क्यू क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. अगर ये ध्यान नहीं रहा तो सिंपल डेरिवेशन भी नहीं समझ में आए. तो बॉडी के यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में मतलब 1 सेकेंड में जितना भी एनर्जी इंसिडेंट हुआ दैट इज कॉल्ड एज क्यू. जो बॉडी ऑर्डिनरी बॉडी ने जो हीट रिलीज किया था वो किस पे इंसिडेंट हुआ? बी पे, ब्लैक बॉडी पे. और ब्लैक बॉडी जो रिलीज करेगा किस पे होगा? हाँ तो फिर इस पे भी सेम है ना. द अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑन ऑर्डिनरी बॉडी, इसको भी क्या बोलते हैं हमने? क्यू. यहां तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? गुड. देन एरिया इज ऑल्सो सेम. तो एरिया ऑफ बोथ बॉडीज आर ऑल्सो सेम. थोड़ी देर के बाद After a while, both the bodies will attain same temperature. और जब same temperature होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि body is not releasing energy. Body तो फिर भी energy release करेगा, लेकिन जितना energy release करेगा, emit करेगा, उतना ही energy absorb कर लेगा. So that it remains at constant temperature. तो अब इसके आगे ना imagination बढ़ाओ, क्योंकि thermodynamics में बहुत ज़्यादा imagination लगेगा आपको. और इट इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट ऑल्सो. तो यहाँ अच्छे समझ लो. अब देखो हो क्या रहा है. अब हम लोग पहले ब्लैक बॉडी का स्टडी करेंगे, फिर ऑर्डिनरी बॉडी का स्टडी करेंगे. तो ब्लैक बॉडी क्या क्या करेगा? ब्लैक बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जो उस पर इंसिडेंट हुआ, और ब्लैक बॉडी एनर्जी को इमिट भी करेगा. तो अब टोटल रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब कितना हुआ, ब्लैक बॉडी ने कितना एब्जॉर्ब किया? आपको याद है क्यू क्या था? क्या था? क्यू एनर्जी
इमिटेट नहीं, इंसिडेंट। अभी तो बताया क्यू क्या था, क्या था क्यू, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अमाउंट ऑफ रेडियल एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया मतलब पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया कितना, पर यूनिट एरिया कितना, पर यूनिट एरिया, बराबर बराबर पक्का। आप पहले तो ये बताओ ये क्यू क्या है, रेडियल एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज द एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, ये इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट टाइम तो है ही। व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ ब्लैक बॉडी इनटू एरिया, बराबर, दैट विल बी द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब। अभी एब्जॉर्ब क्यों बोल रहा हूं मैं, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर ब्लैक बॉडी, वन। जितना भी इंसिडेंट हुआ पूरा का पूरा क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। तो सॉरी फॉर सेइंग दिस, याद रहेगा, आपके बुखड़ फ्रेंड जैसा ही है ना, होते ना बुखड़ फ्रेंड्स, कुछ नहीं होते मुझे पता है, इसलिए बोला इमेजिन कर लो, तुमको जो भी दो तुम खाते जाते हैं। तो ब्लैक बॉडी वैसा ही है, जितना भी इंसिडेंट हुआ रख लिया, पर यूनिट एरिया कितना इंसिडेंट हुआ, क्यू, तो टोटल कितना इंसिडेंट हुआ, ए इंटू क्यू, कितना एब्जॉर्ब कर लिया, पूरा ही एब्जॉर्ब कर लिया। तो व्हाट इज टोटल रेडिएटेड एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी, ए इंटू क्यू, बराबर। लेकिन ये अच्छा भी है, ये इमिट भी करता है, देता भी है। तेरा टिफिन पूरा मेरे को दे, तुझे पसंद नहीं मेरा टिफिन तू रख ले, ओके, दैट इज द वे इट वर्क्स हियर, गुड। देन अब हमको देखना है व्हाट इज द एनर्जी इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, कैसे लिखोगे, व्हाट इज इमिसिव पावर का डेफिनेशन, व्हाट इज इमिसिव पावर, रेडियल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो ई बी इज द एनर्जी इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी फ्रॉम इट्स यूनिट एरिया, व्हाट विल बी टोटल एनर्जी इमिटेड, ए इनटू ई बी, बराबर ना। व्हाट वाज क्यू, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो व्हाट इज टोटल एनर्जी इंसिडेंट, ए इंटू क्यू। व्हाट इज इमिसिव पावर, एनर्जी रेडिएटेड और इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो व्हाट इज टोटल एनर्जी इमिटेड, ए इंटू ई बी, बराबर। लेकिन हमने अभी अभी तो बोला, क्या बोला हमने, बोथ बॉडीज विल अटेन सेम टेम्परेचर, सेम कॉमन टेम्परेचर, बराबर। इसका मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब जितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ उतना का उतना क्या हो गया, रेडिएट हो गया। सो टोटल रेडिएट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू टोटल रेडिएट एनर्जी इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, मतलब ए क्यू इक्वल टू ए ई बी, ए और ए हो गया कैंसल, हो गया ना कैंसल, यस। तो आपको क्या मिल गया, ई बी इक्वल टू क्यू, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको याद रखो, ये तुमने कौन से बॉडी के लिए लिया, ब्लैक बॉडी। अभी सेम आपको किसके लिए करना है, एक छोटा सा चेंज है, ऑर्डिनरी बॉडी पे कितना एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, क्यू, कितना हो रहा है, क्यू। तो टोटल ऑर्डिनरी बॉडी पे कितना हो रहा है, ए क्यू। लेकिन ये ऑर्डिनरी बॉडी है, ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं करता, तो कितना एब्जॉर्ब करता है, ए ए क्यू, वेयर ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ऑर्डिनरी बॉडी डज नॉट एब्जॉर्ब ऑल एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट, एंड द एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ दैट बॉडी इज गिवन बाय ए, व्हिच इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑर्डिनरी बॉडी, ए ए क्यू, तो यहाँ पर लिखा है वो ए ए क्यू, है ना, टोटल रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ऑर्डिनरी बॉडी इज ए ए क्यू, सही है, बराबर। लेकिन ये रेडिएट भी तो करेगा क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो रेडिएट भी करेगा, रेडिएट कितना करेगा, व्हाट इज इमिसिव पावर, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, सही है। तो व्हाट इज द एनर्जी इमिटेड बाय द ब्लैक बाय द ऑर्डिनरी बॉडी, ए इनटू ई, क्लियर, सही है, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड। तो मेरे को बताओ ऑर्डिनरी बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी भी सेम टेम्परेचर पर रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। तो
तो जितना एब्जॉर्ब किया और जितना इमिट किया दे शुड बी सेम। तो एनर्जी एब्जॉर्ब इक्वल टू एनर्जी इमिटेड, ये और ये हो गया कैंसल। तो ई अपॉन ए, सिर्फ ये ए को शिफ्ट कर दिया आपने, क्या मिल गया ई बाई ए क्यू। लेकिन इक्वेशन नंबर थ्री क्या बोल रहा है तुमको, क्यू इक्वल टू ई बी, तो ई अपॉन ए क्या आ गया ई बी। यही तो उसका स्टेटमेंट था कि नहीं, स्टेटमेंट था ना, क्या था स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी टू दैट ऑफ टू टू इट्स कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट एंड दैट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। हो गया शो, नहीं तो फिर ए इक्वल टू ई शो करना है वो कर लो। तो क्या करोगे आप, ई बाय ए इक्वल टू ई बी आ गया ना, तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो ई बी है ना इसको शिफ्ट कर देना, ई अपॉन ई बी इक्वल टू क्या बन गया ए। बट व्हाट इज ई अपॉन ई बी, स्मॉल ई कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, तो ई इक्वल टू ए, हेंस प्रूव कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो अभी मैं पूरा समराइज करता हूँ कि हमको करना क्या था, हमको किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन प्रूव करना था। पहले पता होना चाहिए व्हाट इज किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। तो किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन हमको क्या बताता है, वो हमको बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी, मैंने ऐसे ऑफ अ बॉडी इट इज ऑर्डिनरी बॉडी इज इक्वल टू इट्स कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन एट अ गिवन टेम्परेचर, एट एनी गिवन टेम्परेचर। नाउ दैट क्लियर। या फिर ये जो स्मॉल ई है ये होता है ई बाय ई बी, राइट। तो मैं यहां से लिख सकता हूँ ई बाय ए, सिर्फ ए को शिफ्ट कर दिया, इक्वल टू ई बी, मतलब द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी टू इट्स कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट एंड दैट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। गुड, हमको ये शो करना था, तो हमने क्या किया, हमने ये प्रूव करने के लिए, हमने शो करने के लिए एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर लिया। तो लेट अस टेक अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर। तो इमेजिन ये एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर है, इसमें हमने दो बॉडीज ले लिए, एक था ऑर्डिनरी बॉडी और एक था ब्लैक बॉडी। तो यू हैव ऑर्डिनरी बॉडी एंड यू हैव अ ब्लैक बॉडी। तो ये आ गया आपके पास ऑर्डिनरी बॉडी ए, ये है ब्लैक बॉडी बी, तो दिस इज ब्लैक बॉडी बी, दोनों का सरफेस एरिया क्या है, सेम है, सही है। ए ए इज विच बॉडी, ऑर्डिनरी, बी इज विच बॉडी, ब्लैक बॉडी, इसका इमिसिव पावर इज ई, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसका इमिसिव पावर इज ई बी, इसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ए, इसका वन, इसका इमिशन कोएफिशिएंट ई, इसका वन। उसके बाद दोनों के पास कुछ कॉमन पैरामीटर है जैसे एरिया, तो दोनों का एरिया क्या है, सेम है। उसके बाद ये जो हीट रिलीज करेगा वो इसके सरफेस पे इंसिडेंट होगा, इसके यूनिट सरफेस पे, इसके पर यूनिट सरफेस एरिया पे जितना भी एनर्जी इंसिडेंट होगा क्या बोला तुमने, क्यू, और इसके भी यूनिट सरफेस पे जो रेडिएशन इंसिडेंट होगा उसको क्या बोला है, क्यू। तो क्यू इज रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ बोथ द बॉडीज। तो एरिया ए और क्यू ये कॉमन पैरामीटर्स है, बाकी अलग अलग है। अब हमको ये प्रूव करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपल है, व्हाट यू कैन डू इज, सबसे पहले देखो ब्लैक बॉडी का केस, ब्लैक बॉडी कितना एब्जॉर्ब करेगा, जितना उस पर इंसिडेंट हुआ, कितना इंसिडेंट हुआ, क्यू, लेकिन ये क्यू यूनिट एरिया पे इंसिडेंट हुआ, टोटल कितना हुआ ए क्यू, ये पूरा ही रख लिया, पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। कितना इमिट करेगा, इमिसिव पावर ए बी इंटू इट्स एरिया, राइट। लेकिन क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था तो जितना एब्जॉर्ब किया उतना ही इमिट किया, तो हो गया कैंसल। तो आपको क्यू मिल गया इक्वल टू ई बी, इसको हमने इक्वेशन नंबर थ्री बोल के रखा है, नोट्स में इक्वेशन नंबर थ्री है, गुड। अब सेम चीज आपको सोचनी है फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी पर यूनिट एरिया कितना इंसिडेंट हुआ, तो टोटल कितना इंसिडेंट हुआ, उसमें से पूरा एब्जॉर्ब किया क्या, नहीं, राइट। ऑर्डिनरी बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितना इमिट करता है, और टोटल एरिया कितना है, ए, ये हो गया सॉरी ए और ए हो गया कैंसल। हाँ नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन तुम कंफ्यूज हो रहे हो यहाँ पे, हाँ ए भी, ओके
मेरे को लगा तुम स्मॉल ही लिखने के लिए बोल रहे हो। फिर ठीक है, गुड गुड। तो यहां से क्यू इक्वल टू क्या आएगा, ई बाय ए। बट ये क्यू क्या है, ए बी है। तो ए बी क्या आ गया, ई बाय ए। तो ए क्या आ गया, ई बाय ई बी। लेकिन ये कौन है, क्वेश्चन ऑफ इनिशन है। तो ए इक्वल टू ई, हेंस प्रूव्ड। हो गया, बाकी का अभी करेंगे कल।